चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम फ्लावर पॉट का ड्राइंग करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको आपके पेज में आपके पास वाटर कलर है तो पहले आपको आपके पेज में से वाटर से वॉश करना है। प्लेन वाटर का ही आपको वॉश कर देना है। पूरे पेज में इस तरह से पानी लगाने के बाद आपको वाटर कलर से एकदम लाइट कलर के डॉट करने हैं, येलो ऑरेंज जो जो आपके पास लाइट कलर है उसे इस तरह से डॉट कर देने हैं। एकदम लाइट करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है आपको। दो तीन कलर जो आपके पास लाइट कलर है, लाइट ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपको ये इसका बैकग्राउंड करना है और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने के लिए, तो ये सूख जाने के बाद हमें इसमें ड्राइंग कर देना है। तो ये पेज में मैंने करके रखा है। उसके बाद हमें इसमें फ्लावर पॉट का ड्राइंग करना है। तो फ्लावर पॉट ड्रॉ करने के लिए पहले यहाँ पर हम पॉट का ड्राइंग करेंगे। आपको पेंसिल से करना है, बाद में ही आपको ब्लैक स्केच पेन से करना है। सीधी लाइन करनी है, स्केल यूज़ कर सकते हो आप लोग। एकदम थिक, ये जो बॉर्डर है थिक होनी चाहिए ब्लैक। और यहाँ से कोई भी शेप का आपको पॉट, आपको जो भी शेप का अच्छा लगे वो शेप में आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से पॉट ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉट हमने किया है उसमें स्केच पेन से हमें सीधी सीधी लाइन करनी है। तो सारे कलर की स्केच पेन हम यूज करेंगे। इस तरह से आपको स्केल रखनी है और अलग अलग स्केच पेन से थोड़ी सी ऐसे थिक लाइन करते जाना है। सारे कलर यूज करने हैं आपको। एक कलर जो हमने किया उसके बाद दूसरा कलर लेना है और बीच में थोड़ी सी ही गैप रहनी चाहिए, वाइट स्पेस ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद तीसरा कलर हम लेंगे। उसके बाद रेड कलर, जो जो हम कलर करेंगे उसको रिपीट करेंगे, मतलब पूरे हो जाने के बाद फिर से वही कलर रिपीट करते जाएंगे। इसी तरह से हमको ये पूरे पॉट में इसी तरह से लाइनिंग वर्क करना है स्केच पेन से। देखो इस तरह से पूरे पॉट में हमें लाइनिंग वर्क करना है। उसके बाद ऊपर फ्लावर फिंगर प्रिंट से हम करेंगे। तो आपको ब्लैक कलर लेना है, ब्लैक या डार्क ग्रीन ब्लू कलर कोई भी लेके इस तरह से आप को लाइन कर देंगे। इस तरह से लाइन करने के बाद आपको आपकी फिंगर की हेल्प लेनी है और फिंगर की मदद से आपको वाटर कलर से इसमें प्रिंट करना है। तो आपके पास जो अलग अलग कलर्स है वो फिंगर आपको कलर्स में डिप करना है और इस तरह से आपको करते जाना है बैकग्राउंड में। ये मैंने ऑरेंज कलर लिया, फिर हम रेड कलर लेंगे। अलग अलग कलर्स आपको लेने हैं।
के बाद, रेड कलर करने के बाद पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है। इस तरह से पिंक कलर से पूरी जो लाइन है उसके आजू बाजू ही आपको फिंगर से प्रिंट करनी है। इसको फिर से हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। इस तरह से पूरे में करने के बाद ग्रीन कलर लेना है, और ग्रीन कलर से ब्रश से अगर आपको आता है तो ब्रश से भी लीव्स बना सकते हो, नहीं तो फिर स्केच पेन से आप करोगे तो भी चलेगा। इस तरह से मैं डायरेक्ट कर लिया। आपको पेंसिल से पहले ड्रॉ कर देना है, उसके बाद अंदर कलर फिलअप कर देना है। जहाँ पे आपको बीच में जगह दिखती है वहाँ पे इस तरह से पूरे में लीव्स बनाने हैं आपको। देखो इस तरह से आपको पूरे में लीव्स बना देने हैं ब्रश से, और ये जो स्केच पेन से मैंने किया वो आपको पूरे पॉट में करना है। और आप अगर आपके पास आपके घर में प्लांट्स है तो प्लांट्स के लीव्स लेके इसकी अच्छे से प्रिंट भी इस तरह से कर सकते हो, और इस तरह से भी आप फ्लावर पॉट बना सकते हो। यहाँ पे स्केच पेन से मैंने लाइनिंग वर्क किया है, उसमें यहाँ पे डिज़ाइन की है, और यहाँ पे थंब से हमने जैसे मैंने फिंगर प्रिंट की उसी तरह से थंब प्रिंट से ये फ्लावर बना है। तो ये इस तरह का फ्लावर पॉट भी आप बना सकते हो, और लीव्स की प्रिंट भी कर सकते हो। लीव्स लेने हैं अलग अलग टाइप के आपको, और उसके ऊपर वाटर कलर कर देना है और उसकी प्रिंट ले लेनी है। तो आप कोई भी टेक्निक से ये फ्लावर पॉट का ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।